बात करते हैं जंतर मंतर पर जुटे पहलवानों की, जो पिछले 16 दिनों से लगातार बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ कैसे जो मोर्चा पहलवानों ने खोला हुआ है और अब उनके समर्थन में किसानों का जुटना भी शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद किसान अलग अलग जगहों से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे में जंतर मंतर तक क्रांतिकारी किसान यूनियन ने एक मोर्चा निकाला, मार्च निकाला, उस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ पहलवानों के समर्थन में जो किसान आए हैं उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है पहलवानों के साथ मिलकर। उन्होंने यह कह दिया है कि अगर 21 तारीख तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की कार्रवाई नहीं होती, तो एक बड़े आंदोलन को लेकर किसान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और सरकार के लिए बिल्कुल किसान आंदोलन वाली जो परेशानी थी वो इस पर पैदा हो सकती है। अभी तक सवाल बार बार यही है, बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ करने में भी दिल्ली पुलिस क्यों हिचकिचा रही है। सोमवार को जंतर मंतर पर पहुंचे कुछ किसान पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए और धरना स्थल तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये किसान जल्दबाजी में थे, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की जैसी बात नहीं हुई। महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब हरियाणा से काफी संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे। हमने ये तय किया है कि यहाँ आके अपना इनके साथ सॉलिडरिटी जाहिर करनी है। आज भी बड़ी गिनती में हमारे किसान आए थे और आते रहेंगे। ये 21 तारीख को फिर हरियाणा के महम 24 में एक बड़ा चबूतरा है, वहाँ पंचायत होगी किसानों की और खापों की, वहाँ नेक्स्ट रणनीति जो है उसका ऐलान किया जाए। उधर महिला पहलवानों ने धरने के 16वें दिन एक बार फिर जोर देकर कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। उनके खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत दी है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी में 2 अलग अलग FIR कर सभी महिला पहलवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। हर लड़की की आवाज़ बन चुकी है अभी हमारी लड़ाई, हर लड़की उसे रिलेट कर पा रही है। तो अगर हमें न्याय मिलेगा तो डेफिनेटली पूरे देश में लड़कियां काफी आगे आके कुछ भी गलत होगा तो मेरे ख्याल से आवाज़ उठाने में ज़्यादा सक्षम होगी और ज़्यादा आत्मविश्वासी के साथ मुकाबला करेंगे। किसान कौन लोग हैं जी, हमारे तो बड़े बुजुर्ग थे, हाईजैक करने का क्या मतलब है? वो अगर अपने बच्चों के अन्याय की के खिलाफ में जो लड़ाई लड़ रहे हैं अगर उसके साथ में अगर वो आ रहे हैं तो ये हाईजैक मत बोलो आप, ये आप लोगों के थ्रू ही ये चीजें गलत पोर्ट्रे हो रही हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के 3 सदस्यों झज्जर से वीरेंद्र सिंह दलाल, हिसार से संजय सिंह मलिक और मेवात से जय भगवान को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अब 21 मई तक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में किसान संगठनों से जुड़े लोग और खा पंचायतों से जुड़े हुए लोग यूं ही आते जाते रहेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक की जांच के हिसाब से आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली से कैमरामैन AJ जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पूरा मामला हो चुका है, ये पूरा मामला राजनीतिक है। सरकार पूरे तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़ी दिखाई इस वक्त पड़ रही है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास, वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुकेश, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इस वक्त जंतर मंतर पर ही हैं, किसान भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, पिछली बार से अलग प्रदर्शन है, लेकिन क्योंकि आप पुलिस को इतना बारीकी से कवर करते हैं, दिल्ली पुलिस को पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी पूछताछ तक नहीं हो रही, ये तो बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पूछताछ होगी, लेकिन अभी जो पहले का प्रोसेस है, जैसे महिला पहलवानों का बयान दर्ज करना है, फिर महिला पहलवानों का बयान कोर्ट में दर्ज कराने हैं और उसके बाद क्या कुछ एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पर पूछताछ होगी। तो अभी जो दिल्ली पुलिस है बहुत जल्दबाजी में इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाने वाली नहीं है, ऐसा पुलिस का दावा है। और साथ में जो बात चल रही है कि गिरफ्तारी की, तो पुलिस के मुताबिक अभी तक ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पर अरेस्टिंग के ग्राउंड बने। तो अभी पुलिस ने ना तो उन्हें अरेस्ट किया है और ना ही उनसे पूछताछ की है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्दी ही उनसे पूछताछ होगी और जब महिला पहलवानों के बयान कोर्ट में दर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ होगी। दूसरी ओर यहाँ जंतर मंतर पर आप देखें कि
दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर जो बैरिकेड लगे हुए थे उनमें से कुछ बैरिकेड आपस में जुड़वा दिए हैं बेल्डिंग करवा के, क्योंकि यहाँ पर दोपहर में किसानों का एक समूह आ गया था जो कि बैरिकेड पर चढ़ गया था और उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे भी लगाए थे, जिस पर विनेश फोगाट ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व आते हैं जो नारे इस तरह के लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग करने के बाद पुलिस ने अब ये बीच का रास्ता खोल दिया है, यानी कि अगर आपको आना है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। पहले क्या था कि जो साइड में रास्ता है केवल वहीं से लोगों को निकलने की परमिशन थी, लेकिन अब ये बीच का रास्ता खोल दिया तो लोग यहाँ से भी आ सकते हैं। तो जो महिला पहलवानों का धरना है वो 16वें दिन भी जारी है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है, महिला पहलवान अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं दिल्ली पुलिस जो है इस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि कैसे अब कार्रवाई आगे इस पर बढ़ती है। और क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है और भी किसान संगठनों ने समर्थन दिया है, खाप पंचायतें भी यहां पर आ रही हैं, तो ये एक बड़ी सिरदर्दी दिल्ली पुलिस के लिए और सरकार के लिए बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।